अगर एक इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर को एनबीए टीम से खेलना है तो उसे क्या करना होगा? इस सवाल का सिंपल आंसर है, इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर को एनबीए टीम से खेलना है तो वो सिर्फ दो तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। पहला तो उसे कोई एनबीए टीम ड्राफ्ट में सिलेक्ट करे, और दूसरा एनबीए की टीम्स उसे दूसरे किसी लीग में अच्छा खेलते हुए देख के इम्प्रेस होकर उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। मैंने एग्जैक्टली एनबीए ड्राफ्ट क्या है, वो क्यों किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। अभी मैं उसे इन डेप्थ वापस नहीं बताऊंगा, अभी बस इतना जानिए कि हर साल एनबीए का सीजन शुरू होने के पहले एनबीए ड्राफ्ट इवेंट होता है जिसमें एनबीए टीम्स एक एक करके 60 यंग प्लेयर्स फ्रॉम एज 19 to 22 को अपने टीम में सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन बास्केटबॉल के बारे में, प्लेयर्स कहाँ से आते हैं, किस कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं और फाइनली वो एनबीए में कैसे जा सकते हैं। आज इंडिया में जनरली हर स्टेट में ही ग्रास रूट लेवल पर 8 से 12 की उम्र में बच्चे अपनी स्कूल्स, समर बास्केटबॉल कैंप्स, लोकल बास्केटबॉल एकेडमीज, ऐसी जगहों पर बास्केटबॉल की ABCD सीखते हैं। फिर उम्र 13 से 18 के प्लेयर्स अपने अपने स्कूल्स और कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं। इन कॉम्पिटिशन में अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अपने अपने स्टेट्स के टीम से नेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं। जनरली ये कॉम्पिटिशन्स अंडर 16, अंडर 18 इस प्रकार होती है। फाइनली इन नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जो सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं उन्हें ONGC, इंडियन रेलवेज, MTNL जैसी गवर्नमेंट कंपनीज के बास्केटबॉल टीम्स और अलग अलग स्टेट के बास्केटबॉल टीम्स में से एक प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पे प्रेस्टिजियस इंडियन टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिलता है। इन प्रेस्टिजियस इंडियन टूर्नामेंट्स में आती है रामू मेमोरियल, पृथ्वीनाथ मेमोरियल, डॉन बॉस्को इन्विटेशनल, फेडरेशन कप और नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। अब इन टॉप टियर इंडियन बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में सबसे बढ़िया खेलने वाले प्लेयर्स एनबीए में जाने का ख्वाब देख सकते हैं और वो एनबीए के टीम में सिलेक्ट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट एनबीए ड्राफ्ट में जाने से पहले किसी भी इंडियन प्लेयर को अपने आप को परखना होता है दुनिया की दूसरी टॉप लेवल कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि इंडिया के टॉप लेवल प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स का लेवल अभी भी बाकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के सामने कुछ भी नहीं है। आज एनबीए तो सबसे बेस्ट लीग है ही, बट इसके बाद यूरोप की यूरो लीग, ऑस्ट्रेलिया की NBL, चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन की CBA और NBA की ही डेवलपमेंट लीग जी लीग, ऐसी बास्केटबॉल लीग्स दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। इनका लेवल अपने इंडियन कॉम्पिटिशन से बहुत ऊपर है, इसीलिए कुछ इंडियन प्लेयर्स NBA ड्राफ्ट में जाने के पहले इस कॉम्पिटिशन में भी खेलते हैं। चलो जानते हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया के कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ने NBA ड्राफ्ट में से सिलेक्ट होने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले तो नाम आता है अमजोत सिंह का। अमजोत 2014 के NBA ड्राफ्ट में अप्लाई किया था बट वो वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो पहले जैपनीज लीग में टोक्यो एक्सेलेंस टीम में से खेला था और फिर NBA की जी लीग टीम ओक्लाहोमा सिटी ब्लू से भी खेला था। फिर आता है अमृतपाल सिंह और विशेष भृगुवंशी। इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया की NBL के टीमों ने खेलने का मौका दिया था। अमृतपाल को सिडनी के टीम में से और विशेष को एडलेड के टीम में से खेलने का चांस मिला था। लास्टली प्रिंसिपल सिंह, प्रिंसिपल इंडिया का अभी लेटेस्ट बास्केटबॉल सेंसेशन है और वो इस सीजन NBA के जी लीग में इग्नाइट टीम से खेल रहा है और वो प्रोबेबली 2020 के NBA ड्राफ्ट में या तो 2022 के NBA ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर करेगा। आज के जमाने में इंडियन प्लेयर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से NBA के टीम में खेलने के लिए ट्राई कर सकता है। पहले तो इंडिया में स्कूल लेवल पर बेस्ट बनो, कॉलेज लेवल पर बेस्ट बनो और इंडिया के टॉप कॉम्पिटिशन्स में इतना अच्छा खेलो कि तुम्हें NBA अपने डेवलपमेंटल जी लीग में खेलने के लिए बुलाए या कोई इंटरनेशनल लीग में खेलने का मौका मिले। बस इतना ही। और एक जरिया ये है कि 14 साल की उम्र में ही आपको इतना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है कि US का कोई Division 1 कॉलेज आपको बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाए और उसकी स्कॉलरशिप दे। NBA की टीम्स इन डिविजन के प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझती है और उन्हें NBA ड्राफ्ट में से सिलेक्ट करने का थोड़ा अच्छा चांस होता है। बट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होती है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल के सामने आज तो इंडियन बास्केटबॉल की लेवल काफी लो है, बट आने वाले कल को लेके मुझे काफी उम्मीद है। आज इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर बास्केटबॉल सिखाने के लिए जूनियर NBA जैसे प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश किए हैं। इस प्रोग्राम में इंडिया के यंग प्लेयर्स को बास्केटबॉल की ABCD सिखाई जाती है। इसी के साथ साथ NBA ने इंडिया में NBA एकेडमी भी एस्टेब्लिश की है जिसमें 14 से 18 के एज ग्रुप के सबसे बेस्ट यंग प्लेयर्स को अच्छे फैसिलिटीज में ट्रेनिंग मिलती है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने के बाद वो आगे NBA ड्राफ्ट में जाके वापस सिलेक्ट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो गेटिंग टू NBA इज अ लॉन्ग शॉट, बट स्टिल देयर इज अ होप फॉर इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर्स। आज के हुप्सोलॉजी में बस इतनी ही पढ़ाई। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। पीस।